स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलीकैब के बारे में। देखिए, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड बेसिकली जिस तरीके से जेफरीज ने इस कंपनी का टारगेट रखा था, जो टारगेट इस कंपनी के ऊपर रखा गया 125 रुपीज़ के आसपास, 115 से 125 रुपीज़ के आसपास, उस टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव कंपनी कर चुकी है। तो सबसे पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं जेफरीज एडजस्टेड पॉलीकैब इंडिया प्राइस टारगेट 27,125 रुपीज़ फ्रॉम 5,870, मतलब 5,870 से लेकर उन्होंने टारगेट रखा 7,125, और फाइनली देखिए वही टारगेट लेवल तक गया। तो जेफरीज ने जब टारगेट रखा था, मैंने आपको एक फास्ट जब वीडियो बनाकर शेयर किया था, मैंने आपको ये भी बताया जेफरीज जब जब कोई भी कंपनी के ऊपर टारगेट देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनी के ऊपर टारगेट अचीव होता है। ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि 100% ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादातर टारगेट अचीव होता देखने को मिलता है। हाँ, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि इतने टाइम के अंदर अंदर होगा, लेकिन वो बोलना भी गलत होगा क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर टाइम पीरियड रखना ये थोड़ा सा रिक्सी माहौल हो सकता है, क्योंकि वो कोई भी कन्फर्मेशन नहीं होता है। क्योंकि टाइम पीरियड मान के चलिए, अगर जेफरीज बोल देता कि 2 महीने के अंदर अंदर टारगेट होता, अगर 2 महीने के अंदर अंदर टारगेट नहीं होगा तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट इस कंपनी के ऊपर पड़ सकता था। इसीलिए जेफरीज ने इस तरीके से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया था कि इतने दिनों में टारगेट होगा। उन्होंने टारगेट इस तरीके से रखा था, वो टारगेट फाइनली अचीव हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाई हो चुके, कितना 7,130 के आसपास। तो जो टारगेट था वो टारगेट शानदार तरीके से यहाँ पे अचीव किया। देखिए, मैंने भी डिसीजन लिया था कि एक एंटी में जरूर लूँगा। वो एंटी बेसिस एक्चुअली इस तरीके से लेने वाला था, कफ विद 100 बेसिस में। तो पहले कफ बना, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करता तो मैं जरूर यहाँ पे एक एंटी लेता, मगर हुआ कुछ उल्टा। यहाँ पे कफ विद 100 पैटर्न बनने से पहले ही कंपनी ब्रेकआउट करके एक लगातार जर्नी दिखा चुके हैं। तो मेरा जो पैटर्न्स बनना था, यहाँ पे पैटर्न्स नहीं बना, और ना बनने के कारण कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ, और इसी बेसिस में मैंने एक पॉजिटिव सेंटिमेंट पहले ही बन चुके हैं, और इस तरीके से पैटर्न्स ना बनने के कारण मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लिया। तो देखिए, फिलहाल के लिए जिस तरीके से कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, अभी इस हाई लेवल में बाय करना थोड़ा सा रिस्की जोन हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टॉप लेवल में जो फ्रेश जितने सारे लोग बाय करना चाहते हैं, तो एक बार प्लीज़ इसके ऊपर डीपली रिसर्च करें। अगर मेरे ओपिनियन का है तो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कोई भी पैटर्न्स, मुझे चाहिए कोई भी स्ट्रैटेजीज, तभी मैं काम करूँगा। जैसे अगर इस जगह पे कंपनी कुछ दिन टाइम होल्ड करे, मतलब कुछ दिन इस तरीके से होल्डिंग करे इस लेवल में, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो जरूर मैं एंट्री लेने वाला हूँ। तो कहने का मतलब है कि चीज़ों को पहले समझिए, आप हर जगह पर एंट्री मत लीजिए, क्योंकि हर जगह पर आप एंट्री इसीलिए बहुत सारे लोग लेते हैं क्योंकि शेयर लगातार भागते चले जा रहा है। बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि मेरा ट्रेन छूट गया, मैं ही सिर्फ एक ही व्यक्ति हूँ जो मैंने बाय नहीं किया, बाकी सारे लोग बाय करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। ऐसे बिल्कुल होता नहीं है, ऐसे आप हमेशा करते जाएंगे तो आप बुरी तरीके से फंसेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे तरीके से बहुत सारे कंपनीज के ऊपर फंसे हुए हैं, जो मुझे कमेंट्स आते हैं उससे पता चलता है कि टॉप लेवल में वो लोग बाय किया है और उसका कोई रीज़न भी नहीं था। मैंने जब कमेंट किया उसका कोई रीज़न भी नहीं था कि उन्होंने क्यों बाय किया, क्योंकि उनका लग रहा था, उनको यही लग रहा था कि कंपनी भागते चले जा रहे हैं तो यहाँ से और भी ऊपर जाएगा। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि भागते हुए ट्रेन के ऊपर कभी भी मत चढ़ना। कोई भी अगर कंपनी के ऊपर सिचुएशन बन रहा है, कोई भी ट्रेड बन रहा है, कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है, तब उस कंपनी के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं आपके ओपिनियन के हिसाब से। तो बेसिकली पॉलीकैब के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी में हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिला। क्वार्टरली रिजल्ट में आपको कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा हर टाइम कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करता है, हर टाइम हर क्वार्टर को पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी का आगे बढ़ने के लिए, और यही पॉइंट के बेसिस पे कंपनी जर्नी अच्छा खासा दिखाते हैं। तो बेसिकली एज ए गुड पॉइंट और भी है, जैसे कंपनी के ऊपर देखिए डेटोस डे जो पहले 88 डेज हुआ करता था, आज वो घट के 40 डे हो चुके हैं, 50% डे कम हो चुके हैं। कंपनी प्रोडक्ट जो कस्टमर को बेच रहे हैं, कस्टमर जो रीपेमेंट कर रहा है, उस रीपेमेंट का जो डे है वो सिर्फ 40 दिन है, मतलब बहुत कम दिन के अंदर अंदर पैसे वापस आ रहा है। तो एक गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनीज के लिए। इन्वेंटरी डेज के बारे में बात करो तो 70 से लेकर 100 तक कंपनी का इन्वेंटरी देखने को मिला, मतलब कंपनी को प्रोडक्शन करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक वीकनेस पॉइंट है,
अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे प्रोडक्शन करने में तो आपको बेचने में भी टाइम लगेगा, तो बेचने के टाइम अगर ज़्यादा लगे तो आपका पैसा भी लेट में आएगा। और उसके साथ साथ गुड पॉइंट्स मुझे ये लगा कि कंपनी डेज पे बोली, इसको कंपनी बहुत हद तक मेंटेन्स किया, जैसे 120 डेज तक चला गया था एक टाइम, और आज कितना है 29 डेज। अभी डेज बबल मतलब क्या है, मान के चलिए कंपनी ने जो जो रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए तो उसको उस रॉ मटेरियल को किसी ना किसी कंपनी से तो खरीदारी करना पड़ेगा, तो जिससे वो खुद खरीदारी किए है तो उसको भी तो पेमेंट करना होगा, तो उसको कितने दिनों में पेमेंट कर रहे हैं, उसको उसको कहा जाता है डेज पेबल। तो डेज पेबल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बहुत कम कम दिन लगा, टोटल ओवरऑल कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो थोड़ा सा इस बार ज़्यादा देखने को मिला। पिछले बार 65 डेज है, इस बार 118 डेज, मतलब ऑलमोस्ट डबल डेज हो चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट है जिसके कारण शेयर में थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IRFC। देखिए IRFC का सबसे पहले मैं चार्ट दिखा दूँ, 1 साल पहले से 33 रुपीज़ के आसपास शेयर के प्राइस था, आज शेयर के प्राइस कहाँ पे है 175 के आसपास। मतलब एक बिग जर्नी कंपनी यहाँ पे कर चुके हैं, बिग जर्नी यहाँ पे कंपनी कर चुके हैं। और मजेदार बात आपको बता दूँ कंपनी के चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखना, पहले क्या किया, पहले इस कंपनी ने इस जगह पे होल्ड किया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से होल्ड, फिर से होल्ड किया, फिर से ऊपर गया, होल्ड किया, मतलब इस तरीके से रेंज बना के बोर ऊपर जा रहा है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, क्या सर यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड कर रहा है, क्या फिर से ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देखना होगा, सबसे पहले कंपनी के किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो देखना जरूरी है। अगर मैं एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ इस कंपनी का, 2018 में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था करीबन करीबन 1 लाख सॉरी हाँ 1,55,499 करोड़ का टोटल मतलब फीचर्स था कंपनी का, टोटल एसेट मैनेजमेंट था, अंडर मैनेजमेंट था। आज वो बढ़ के हो चुके हैं अराउंड अराउंड 4,64,641 करोड़। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ हुआ लास्ट 5 to 6 ईयर्स में। तो जब कंपनी इतने शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है तो उसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ तो दिखेगा। और रही बात कंपनी के बिजनेस का, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बिजनेस को फैला कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीज रिसिवेबल है उसमें जो एसेट रिसिवेबल हो रहा है कंपनी का कितना 35%। साथ ही साथ लोन जो दे रहा है कंपनी को, RBNL को जो लोन दे रहा है कंपनी 1% के आसपास। एडवांस जो अगेंस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो लोन कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, एसेट कंपनी जो प्रोवाइड कर रहा है 43% के आसपास है, सबसे ज़्यादा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो लीज रिसिवेबल प्रोजेक्ट एसेट 20% के आसपास है। तो बिजनेस को अलग लेवल में कंपनी फैला कर रखा, और वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी भी बोल सकते हैं मैं। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, फिर भी मैं IRFC के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि IRFC एक ऐसे कंपनी है जो मार्केट से 100% पैसा उठाते हैं, मतलब जिसको वो लोन देते हैं वहाँ से कंपनी 100% पैसा उठा पाते हैं। ये कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स है, क्योंकि लोन देना आसान है, लोन को रिकवरी करना इतना आसान नहीं है। और ये भी एक गुड पॉइंट्स है इस कंपनी का, जो कंपनी कंटिन्यूसली मेंटेन करता है। उसके साथ साथ कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी देखेंगे तो सेल्स का आंकड़ा हमेशा पॉजिटिव रहा हुआ है, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद प्रॉफिट का आंकड़ा भी पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। इस बार भी कंपनी हाइस्ट प्रॉफिट जनरेट किया अराउंड 1700 के आसपास। तो बेसिकली यही सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट होने जा रहा है, यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फिर से मुझे लग रहा है और एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। क्योंकि अगर और एक बार हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो फिर से एक बड़ा धमाका हो सकता है, और मैं जो टारगेट लेकर चलूंगा वो 37% तक टारगेट होने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है NTPC। तो बेसिकली NTPC के बारे में बात करूँ तो NTPC इंडिया के एक पॉपुलर मतलब पावर सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, और पॉपुलर एक पावर जनरेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो बेसिकली NTPC नंबर 1 कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो अराउंड 3,57,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और कंपनी का डेप्थ जो है वो 1.48% के आसपास डेप्थ है। मतलब कंपनी जबरदस्त डेप्थ भी लेकर रखा है, और इस कर्जा लेने के बाद भी कंपनी इस बार तगड़ा प्रॉफिट जनरेट किया 6,400% का। अभी सॉरी एक्चुअली परसेंटेज वाइज देखें तो 26%, और जो प्रॉफिट हुआ वो 6,490 करोड़ के आसपास। सेल्स का आंकड़ा कितना है 47,622 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करूँ तो इसका जितने सारे सेक्टर का जितने सारे कंपनीज है वो सबको बीट करके आगे चल रहा है। तो इसीलिए NTPC एक धमाका परफॉर्मेंस किया। अगर NTPC के चार्ट पैटर्न देखेंगे
तो आपको एक धमाका परफॉर्मेंस मतलब एक बिग जर्नी देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग इसको देखकर खुश हो रहा है कि कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, तो इस जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है उस तरीके से ग्रोथ और भी कंटिन्यू होगा। तो मैं जरूर कहूंगा थोड़ा सा इस तरीके से सेक्टर में स्लो डाउन देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि इतना लंबा जर्नी पहले ही कर चुके हैं, तो कभी ना कभी वो रुकेगा, कभी ना कभी वो होल्ड करेगा, और होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे तो फिर से जर्नी दिखेगा। तो मुझे एक पैटर्न्स दिखा था शोल्डर काम सॉरी काप विद 100 पैटर्न्स का, तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन इस जगह पे हो गया था। उसके बाद जब कंपनी रिटेस्ट किए उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश किया। तो ऊपर जाने का मतलब क्या है, यहाँ से अगर ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकते हैं, इस लेवल तक जा सकते हैं जिस लेवल को करीबन करीबन 412 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, जो मतलब पोजीशन यहाँ पे बना है, उस पोजीशन वाइज बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर एक पॉजिटिवली ग्रोथ आने का चांसेस है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है इस बार भी हाईस्ट देखने को मिला, क्योंकि 4,800 करोड़ से कंपनी इस बार 6,400 करोड़ तक प्रॉफिट किया, जो आज तक की सबसे हाईस्ट प्रॉफिट है। और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं, जैसे FS के भी 14% होल्डिंग था, 17% हो चुके हैं, म्यूचुअल फंड के पास 17% था, आज भी 17% के आसपास है, मतलब इंस्टीट्यूशन कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द 3:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस कंपनी इश्यू करने वाला है, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 3 शेयर देने जा रहे हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा, अगर मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।